गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है 9th क्लास के लिए है। इसमें मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा, ये बेसिक है। तो लॉ ऑफ, तो हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स में पहले आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में हम पढ़ेंगे पहले लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। हमारे पास 5 लॉज हैं, इसमें से हम सिर्फ 2 लॉ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, यानी कंजर्वेशन का क्या मतलब है? संरक्षण, जिसको हम कंजर्व का मतलब है संरक्षण, संरक्षण, ठीक है। तो हम किस चीज़ का संरक्षण करेंगे? मास का। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पदार्थ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो पदार्थ बनता और ना ही बिगड़ता। क्रिएट का मतलब बनना और डिस्ट्रॉयड का मतलब बिगड़ना। ना तो पदार्थ बनेगा और ना बिगड़ेगा। आप केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना चाहते थे तो ये है केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर कोई भी पदार्थ ना बनता है और ना बिगड़ता है। सिर्फ वही पदार्थ जो हैं, जो हम पदार्थ जो एटम लेंगे वही द्वारा से रीअरेंज हो जाएंगे। किसी भी रिएक्शन के अंदर देख लेंगे, कोई नया पदार्थ ना बनता और नया पुराना पदार्थ टूटता भी नहीं है और नया पदार्थ बनता भी नहीं है। यानी केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के कारण अंदर जो होता है टोटल मास किसी भी प्रोडक्ट का, वो टोटल मास रिएक्टेंट के बराबर होता है। इसे हम आगे प्रूव करेंगे। तो दूसरा लॉज है हमारे पास, व्हाट लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है रेशो, अनुपात। कॉन्स्टेंट का मतलब स्थिर, यानी एक स्थिर अनुपात में। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम रेशो। कोई भी एक केमिकल कंपाउंड ले लो, जो मर्जी ले लो, उसमें एक ही तरह के पदार्थ, एक ही तरह के तत्व एक समान रेशो में जुड़े होते हैं। यानी कि मान लो कि आपने पानी है, पानी को कहीं से प्राप्त किया? पानी को आपने नल से प्राप्त किया, पानी को आपने जलाशय से प्राप्त किया, पानी को आपने मटके के अंदर भरा। तो उसका जो, उसके अंदर जो तत्व हैं, जैसे उसके अंदर 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं समान रेशो में जुड़े हुए, यानी उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक ही रेशियो में जुड़े होते हैं। जैसे वाटर का फार्मूला क्या होता है, आपको मैं इसका एग्जांपल आएगा। जैसे वाटर का फार्मूला क्या है, H2 इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, चाहे आप उसको कहीं से भी प्राप्त करें, किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, ये रेशियो बदलने वाला नहीं है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, ये सदा ही रहेगा। यानी इनका रेशो बदलने वाला नहीं है। एक ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तब वाटर बनेगा। इसके बाद हैं हमारे पास रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इज 1:8। 1:8 का मतलब क्या है? बाय मास, यानी कि आपने 9 ग्राम वाटर लिया तो उसके अंदर 1 ग्राम तो अपना हाइड्रोजन है, 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन, तब आपका 9 ग्राम का वाटर पूरा होता है। 9 ग्राम का एक मॉलिक्यूल होता है, यानी H2O जो आपने ले लिया, मान लो कोई H2O ले लिया, उसका एक मॉलिक्यूल लिया तो 9 ग्राम का होगा। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाई वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के मुताबिक इसका रेशियो क्या है? 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन। अब आगे हम प्रूव करेंगे, एक्टिविटी टू प्रूव दैट देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी भी मास में बदलाव नहीं आता, यानी उसके द्रव्यमान में बदलाव नहीं आता, यानी उसके भार में बदलाव नहीं आता। इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। तो हमारे पास इसके लिए मटेरियल है 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी आपने टोटल 100% में 10% NaCl लेना, 10% आपने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट लेना है, और NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, तो इसको हम आगे करेंगे। हमारे पास एक फ्लास्क और एक स्मॉल ट्यूब होनी थी। अब इसके अंदर देखिए, टेक ए 10 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द फ्लास्क। आपने फ्लास्क के अंदर क्या लेना है, एक फ्लास्क ली और उसके अंदर आपने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। अब इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब लटका दी, एक धागे से बांध के एक टेस्ट ट्यूब लटका दी, ये टेस्ट ट्यूब लटका दी। अब इसके अंदर आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड यानी घरेलू नमक डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब इनको मिक्स नहीं होने देना, फिर हमने इसका भार नोट कर लेना, सारे चीज़ का भार नोट कर लेना, यानी कि इन रिएक्टेंट्स का भार नोट कर लेना बिना इन्हें मिक्स किए। फिर बाद में इनका मिक्स करके भार नोट कर लेना, फिर इनके अंदर रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन से क्या बनेगा, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। नाउ टिल्ट द टेस्ट ट्यूब एंड अलाउ द टू सॉल्यूशन गेट मिक्स्ड। फिर उनको बाद में मिक्स होने देना है। लेट द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यू विल सी दैट फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। आप देखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट बन गए सिल्वर क्लोराइड के। वेट द फ्लास्क अलोंग विद इट्स कॉन्टेंट। फिर उसको वेट करना है, यानी आपने रिएक्टेंट्स को वेट, जब उन मिक्स नहीं किया था तब उनको वेट किया था, उसके बाद इनको मिक्स करके वेट करना है। तो वेट वही रहेगा, वी कंपेयर द मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन आपने मास दोनों का देखना है जो चीज़ बनती है। तो ऑब्जर्वेशन, द मास ऑफ द फ्लास्क अलोंग विद इट्स कॉन्टेंट्स रिमेन अनचेंज। तो मास कभी नहीं बदलता, किसी भी रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास दोनों ही बराबर रहते हैं। कंक्लूजन, देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी भी मास नहीं बदलता। इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट है एटम एंड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एटम के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि लेसन जो है एटम के बारे में, एटम मींस अनकट, यानी कि एक छोटा रूप हो सकता है किसी भी कण, यानी कण से भी छोटा कण, उसको आगे और तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे भारतीय साइंटिस्टों ने इसको परमाणु कहा था। परमाणु इज़ द अल्टीमेट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो ये एक पदार्थ का एक छोटे से छोटा हिस्सा होता है, यूनिट होता है, जिससे मिलकर पदार्थ बनाते हैं। मान लो कि कोई भी चीज़ है, वो हमेशा इन्हीं एटम से मिलके बनी होती है। पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी इसके बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने अलग अलग पोस्टुलेट्स दिए हैं, तो उसके बारे में हम कल आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।